नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी एक्सटेंट में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम को C प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को जो इंपॉर्टेंट हेडर फाइल चाहिए वो क्या है, हैश इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच, ठीक है ना। उसके बाद stdlib.h, stdio.h और conio.h, ठीक है। मेन इन सब की नहीं भी आवश्यकता होगी, लेकिन ग्राफिक डॉट एच की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं पूरा प्रोग्राम आपको शुरू से लिखकर दिखाऊंगा और फिर हम लास्ट में इस प्रोग्राम को रन करेंगे और देखेंगे कि हम लाइन को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग नेसेसरी चीजें लिख लेते हैं। ये देखिए, इंट, इंटीजर टाइप का सबसे पहले हम क्या लेंगे, जी ड्राइवर यानी कि ग्राफिक्स ड्राइवर, ठीक है, इज इक्वल टू DETECT, डिटेक्ट, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, आपका ये जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप इस ग्राफिक्स ड्राइवर को क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। और दूसरा वेरिएबल होगा ये आपका जी मोड यानी कि ग्राफिक मोड, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, किसी भी ग्राफिक्स को यूज करने के लिए आपको इन दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है। अब जो हमारे DDA एल्गोरिदम्स के जो नेसेसरी वो है वेरिएबल्स, उन्हें हम लोग क्या कर लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले x1 यानी कि पहला कोऑर्डिनेट, कॉमा y1, ये आपका क्या है, पहला कोऑर्डिनेट जहां से आपकी लाइन बननी स्टार्ट होगी। दूसरा x2 कॉमा y2 यानी कि यहां इन दो कोऑर्डिनेट्स तक आपकी लाइन जाएगी। उसके बाद अगला वेरिएबल i बेसिकली क्या है, i बेसिकली हम लोग लूप के लिए ले रहे हैं, लूपिंग वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये स्टेप बेसिकली क्या है, एक बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, छोटा छोटा डिस्टेंस पे आप लोग क्या है, छोटे छोटे डॉट डालेंगे और वही डॉट आपको क्या देंगे, एक लाइन बना कर देंगे, ठीक है। स्टेप वेरिएबल बेसिकली यूज आएगा। अगला आएगा xn, yn, यहां पर xn और yn बेसिकली क्या है, इंक्रीमेंटेड वैल्यू है। अभी मैं प्रोग्राम में यूज करूंगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा xn और yn क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, dx, dy बेसिकली क्या है, आपकी लाइन कितनी कितनी बड़ी बनेगी, ठीक है ना। मींस डिस्टेंस होगा, dx इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और dy इज इक्वल टू y2 माइनस y1। बस हमें इतने वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हम अपना क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कोई भी ग्राफिक प्रोग्राम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये फंक्शन initgraph, ठीक है ना, इनिशिएट करना पड़ता है ग्राफिक मोड। ये देखिए ग्राफिक मोड क्या है, ये एक फंक्शन है इनिशिएट ग्राफ, इसको हम लिखते हैं INIT फिर उसके बाद ग्राफ, बेसिकली इसका मतलब है इनिशिएट ग्राफिक्स। ये अपने अंदर तीन पैरामीटर्स पास करता है। सबसे पहला ये देखिए, M% डाल के लिखिए जी ड्राइवर यानी कि ग्राफिक्स ड्राइवर। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनका बिल्कुल भी बेस नहीं है ग्राफिक्स को लेकर, ठीक है ना। और अगला पैरामीटर लेगा ये वही आपका ग्राफिक्स मोड। देखिए ग्राफिक्स मोड आ गया। उसके बाद देखिए, ये एक डायरेक्टरी लेता है, ध्यान दीजिए क्या लेता है, ये डायरेक्टरी लेता है। देखिए मैं आप डायरेक्टरी क्या लिख रहा हूं, सी ये देखिए // मेरे पास क्या है, ये देखिए टर्बो सी थ्री, ये सी ड्राइव में मेरा टर्बो सी थ्री नाम का एक फोल्डर है और उसके अंदर बेसिकली क्या है, एक BGI नाम का फोल्डर है, ठीक है ना। आपके सारे ग्राफिक्स के जो पैरामीटर्स हैं, ये फंक्शन है, ये बेसिकली क्या है, इस डायरेक्टरी में रहता है, c/turbo c3/bgi, ठीक है ना। कई बच्चे होंगे जहां पर टर्बो सी थ्री ना हो के TC होगा, तो आप लोग अपने में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लगा दीजिए सेमीकॉलन, एक मिनट, उसके बाद यहां पर हम लगा देंगे सेमीकॉलन। फिर देखिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, सबसे पहले है यूजर से हम लोग को क्या है, इनपुट ले लेना है। सबसे पहले देखिए मैं यहां लिखता हूं, देखिए printf, यूजर से क्या लिख कहेंगे, एंटर द स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स, यानी कि क्या करना है यूजर को, सबसे पहले लाइन कहां से बनानी चालू करनी है वो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स हम यूजर से ले लेंगे। सबसे पहले इन वेरिएबल्स को हम लोग क्या कर देते हैं, सबसे पहले इंटीजर टाइप के हैं तो ये देखिए %d और %d, दो वेरिएबल हम एक साथ लेंगे, कॉमा m% x1 कॉमा m% y1। देखिए x1 y1 हमने क्या किया, यूजर से इनपुट करा लिए हैं। फिर से हम एक printf का मैसेज दे देंगे और printf का मैसेज क्या दे देंगे, एंटर द एंड कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या है, वो लास्ट कोऑर्डिनेट जहां तक आपकी लाइन बनेगी।
इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेट कर देते हैं इनके वेरिएबल्स को भी, परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग क्योंकि ये क्या है आपका इंटीजर टाइप का है, कॉमा आप देखिए एक्स टू कोऑर्डिनेट कॉमा एम परसेंट वाई टू कोऑर्डिनेट, देखिए दोनों हमने असाइन कर दिए। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या कहा था, डी एक्स डी वाई हमने दो वेरिएबल्स लिए थे, ये देखिए डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बेसिकली क्या था, डिस्टेंस है एक्स टू माइनस एक्स वन, उसी प्रकार से हम dy लिख लेते हैं, देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए dy dy क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, बेसिकली क्या है ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपकी DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की, आपको उसको दिमाग में रखना ही रखना है। देखिए ABS, ABS क्या होता है, एक फंक्शन होता है एब्सोल्यूट, इसी के लिए हमने बेसिकली क्या है, ये देखिए अभी ABS काम नहीं करेगा क्योंकि क्या है हमने math.h हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की है, तो चलिए उसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड math.h, ये देखिए math.h हेडर फाइल इंक्लूड हो गई है। अब बेसिकली क्या आपका ये ABS एब्सोल्यूट फंक्शन काम करेगा, तो देखिए एब्सोल्यूट dx की जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर हो जाती है एब्सोल्यूट dy से, अगर ऐसा हो जाता है तो देखिए हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएंगी, तो बेसिकली क्या है ये जो आप स्टेप है, एक स्टेप नाम का वेरिएबल लिया था, स्टेप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी एक्स, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स कंडीशन में क्या चला जाएगा, देखिए एल्स कंडीशन में आपका चला जाएगा स्टेप की वैल्यू हो जाएगी एब्सोल्यूट ऑफ डी वाई, ठीक है ना। जिनको भी थोड़ा भी समझने में दिक्कत है, सबसे पहले क्या कर रहा है, मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखिए, और हो सकता है तो मेरे साथ अपने सॉफ्टवेयर में भी लिखते जाइए, फिर आप रन करा के देखिएगा, देखिएगा प्रोग्राम एकदम 100% श्योर शॉट के साथ रन होगा। उसके बाद देखिए हमने एक्सन लिया था, बेसिकली क्या कहा था मैंने, ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगी एक्स की, तो एक्सन बेसिकली कितना हो जाएगा, देखिए एक्सन हो जाएगा आपका डी एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेप, जो भी हम लोगों ने स्टेप नाम का वेरिएबल असाइन कर रखा है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम लोग वाई एन निकाल लेंगे, इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ वाई, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका डी वाई, देखिए सेम कुछ भी नहीं है, डी वाई अपॉन स्टेप, इतना आप लोगों ने क्या किया है लिख लिया है। बस प्रोग्राम थोड़ी देर और है, प्रोग्राम एंड हो गया आपका। देखिए फॉर लूप हम यूज करते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू स्टेप और i प्लस प्लस, ठीक है बेसिकली हमारा नॉर्मल फॉर लूप, रुकिए मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं। अब उसके बाद देखिए ये हम लोग ग्राफिक डॉट हमने यूज किया, इसके अंदर ये एक फंक्शन होता है पुट पिक्सेल नाम का, देखिए पुट पिक्सेल ये बेसिकली क्या करता है, एक छोटा डॉट बनाएगा आपके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, देखिए x1 जो आपका पहला कोऑर्डिनेट है जहां से लाइन बननी चालू होगी, देखिए x1 कॉमा y1 ये मैंने डाल दिया, और साथ ही साथ तीसरा पैरामीटर ये क्या आंसर लेता है, तीसरा पैरामीटर लेता है कलर, कलर आपको देना ही पड़ेगा कि आप किस कलर की लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं आपको दे देता हूं कलर, ले लेता हूं मैं लाइट ब्लू, लाइट ब्लू। अब देखिए मैंने ये क्या किया, लाइट ब्लू नाम का कलर ले लिया। अब आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, मैंने लाइट ब्लू को कैपिटल लेटर्स में लिखा है, जो भी कलर ये पैरामीटर्स होगा वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाएगा, अगर आप लोग स्मॉल में लिखेंगे तो प्रोग्राम नहीं रन करेगा, ठीक है। अब देखिए समझ लीजिए पहला डॉट लग गया है पहले स्टार्टिंग आपके कोऑर्डिनेट पे, उसके बाद ये बेसिकली क्या है, अब देखिए उसके बाद आप x1 इज इक्वल टू, एक मिनट मैं कैपिटल में ही हूँ, स्मॉल में कर लीजिए, देखिए x1 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा x1 प्लस जो भी आपकी x की इंक्रीमेंटेड वैल्यू आएगी आप उसे प्लस करके लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोग क्या करिएगा, y1 इज इक्वल टू y1 प्लस yn, अब अगला डॉट जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वहां लगेगा। इसी तरह ये लूप आपका क्या होगा, इसी तरह ये आपका लूप कंटिन्यू होता रहेगा। और अगर मैं इस, और देखिए एक और काम करते हैं, प्रोग्राम को एंड करते हैं। फॉर लूप में हम आपको बस ये केवल तीन लाइन लिख ली है, पहला ये पुट पिक्सल मेथड लगाना है, उसके बाद एक्स वन की वैल्यू को चेंज करना है और वाई वन की वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप से बाहर आ जाइए और यहाँ पर बेसिकली क्या है, दो लाइन और लिखनी है, पहला जो आप लोग लिखते हैं गेट सी एच, देखिए गेट सी एच हो गया, और उसके बाद देखिए
आप लोग यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, इनिशिएट ग्राफिक्स मोड चालू किया था, INIT ग्राफ नाम का फंक्शन चालू किया था, इसको आपको यहाँ पे क्लोज करना रहेगा। तो देखिए क्लोज करते हुए हम लोग क्या लिखते हैं क्लोज ग्राफ। क्लोज ग्राफ बेसिकली एक फंक्शन है जिसका मतलब क्या है, ये आपका जो भी ग्राफिक मोड इनिशिएट हुआ था उसको क्लोज कर देगा। आपका यहाँ प्रोग्राम अब ओवर हो चुका है। तो देखा आप लोगों ने 38 लाइंस में हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम लिख दिया है ना, काफी सिंपल। अभी रुकिए हम इसको रन कराएंगे। अब देखिए जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो ये क्या है, प्रोग्राम में सबसे पहला क्या मांगेगा, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट मांगेगा, एंडिंग कोऑर्डिनेट मांगेगा और एक लाइन बनाकर अचानक से दे देगा। तो अगर आप लोग धीरे धीरे लाइन को स्लोली स्लोली बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो यहाँ पे काम कीजिए, पुट पिक्सल मेथड के नीचे एक फंक्शन होता है डीले नाम का, ये देखिए डीले नाम का डीले फंक्शन यूज कीजिए और इसके अंदर वैल्यू दे दीजिए, 100, 500, 200 कुछ भी दे दीजिए, उसी धीरे धीरे स्पीड से ही आपको क्या है एक लाइन बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो गाइस देखिए हम यहाँ पर अपने क्या है आउटपुट स्क्रीन पर आ गए हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है एंटर द स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट, देखिए हम स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट हम डालते हैं 100 और 200। ठीक है, उसके बाद देखिए बोल रहा है एंटर द एंड कोऑर्डिनेट्स, तो एंड कोऑर्डिनेट्स हम डाल देते हैं 200, 300। अब देखिए यहाँ पे हमने डीले फंक्शन का यूज किया था, अब देखिए अब आपको ब्लू कलर की लाइन बहुत ही धीमे धीमे बनते हुए दिखाई देगी। ये देखिए मैंने एंटर किया, अब आप लोग स्क्रीन पे देखिए, आपको देखिए ब्लू कलर की लाइन बनती हुई दिख रही है धीरे धीरे, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट से ये एंड कोऑर्डिनेट तक बनेगी। ये देखिए इतनी बड़ी लाइन हमारी बन गई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप इस प्रोग्राम को किन्हीं भी कोऑर्डिनेट वैल्यूज में डालकर आप लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। किसी को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग क्या है वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिएगा, और साथ ही में हम अपनी ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग हमें ईमेल पे पर्सनल कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।